इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। तोहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर इमरान खान के एतराजात मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने इमरान खान की दरखास्त पर 25 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को तोहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने तोहीन अदालत केस में इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट की पावर दी गई थी, वो अब नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत की दरखास्त अकबर एस बाबर ने दायर कर रखी है। मजीद समाअत 23 अगस्त को होगी। इमरान खान साहब, थोड़ी बारी आ गई है एहतसाब दी, और ये अलमिया है कि आप न वजीर आजम बने न वफाकी हुकूमत में आए, लेकिन आप एहतसाब के कटहरे में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज के खिलाफ तोहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दानियाल अजीज के खिलाफ ये दरखास्त पीटीआई रहनुमा महमूद जोया ने दायर की थी।